टेक इनिशिएटिव की यार अच्छा मैं वहां पे जाके आई एल प्लान तुम लोग रुको या तुम लोग चले जाओ मैं यहाँ पे रुकती हूँ देखती हूँ कैसे होगा टेक इनिशियेटिव और अगर आप में है ऑफिसर बनने वाली क्वालिटीज तो ऑब्वियसली आपको सब लोग भाव देंगे आपकी बात सुनेंगे और ग्रुप टास्क में आप मिसबिहेव कर जाते हो समटाइम्स की अरे अरे जस्ट कीप क्वाइट यू डोंट नो एनीथिंग थिंग नंबर वट मुझे भी दो तीन लोगों ने बोल दिया था लाइक इट्स ओके <laughs> तो वहां पर अपन वहां पर अपन नहीं कर सकते गाली गुले अपने को अपने अंदर गाली देना आती है हाँ उधर नहीं देना है कम तो ये थम रूल होता है कि जान माल का खतरा जहां पे ज्यादा होता है देर यू शुड बी देर और ऐसे रूल्स होते हैं यू नीड टू फॉलो दोज ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में टाइम स्टैम्प लिखो उसमें कि इस टाइम पे हम यहाँ पहुंचेंगे इस कन्वेंस से पहुंचेंगे उसमें रिसोर्सेज प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज आर गिवन कुछ ऑब्वियस होते हैं कुछ ऑब्वियस नहीं होते हैं कम्युनिकेशन इज द की सबसे इंपॉर्टेंट कर्नल सर ऑलवेज से कम्युनिकेशन इज द की इन एन एस इंटरव्यू इंटरव्यू में भी जो आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे आपको आंसर तो करना ही पड़ेगा और ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि वेन यू हैव फैक्ट्स एंड यू यू आर अनेबल टू टू पुट देम देन वेरी सॉरी बट डोंट डिजर्व बी एन ऑफिसर अगर आप अपनी बातें रख नहीं पा रहे हो तो दोस्तों एनडी और सीडीएस मिलाकर के लगभग 16,000 बच्चा पास हुआ है उसमें से हजारों बच्चा वो है जो पहले कही कहीं ना कहीं क्लासेस ले चुका है या फिर वो कॉन्फ्रेंस आउट हुआ है ये बच्चा वापस से एस देने जाने वाला है पर एस देने जाने से पहले क्या आप चाहते हो कि वापस से आपका एक मॉक एस हो जाए जिसमें बता दिया जाए कि अब आपकी प्रिपरेशन कैसी है अगर आप आज एस जाते हो तो आपका रिकमेंडेशन होता है या फिर आपको और इंप्रूव करने की जरूरत है इसी के लिए फोर्स डिफेंस एकेडमी ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ अक्टूबर से फाइव डेज का कैंप लेकर के आ रहा है दोस्तों इस कैंप की फीस मात्र दो हजार रुपए है जिसमें आपको तीनों एस के द्वारा पूरा एसेसमेंट करके दिया जाएगा कि आप किस लेवल पर अभी परफॉर्म कर रहे हैं और कितना इंप्रूवमेंट आपको करना है दोस्तों सैकड़ों बच्चों ने पहले इस कैंप का लाभ लिया है और हासिल डेफिनेटली आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है देर ना करे। लिंक पे क्लिक करिए और अपना फॉर्म भर के के लिए अभी रजिस्ट्रेशन करा लीजिए क्योंकि सीट जो है वो लिमिटेड है सिर्फ पचास बच्चों को सीट दी जा रही है आइए मिलते हैं आर्य चौधरी से जय हिंद दोस्तों एस एस बी इंटरव्यू कई सारे लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत होती है सरदर्द होता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसको पहले अटेम्प्ट में पार पा जाते हैं इसकी वो बारीकियां समझ जाते हैं जो वाकई रिकमेंड होने के लिए चाहिए तो आज मेरे साथ में है एनडीए से एयरफोर्स के लिए रिकमेंडेड आर्या चौधरी और आर्या से जानेंगे कि क्या वो चीजें थी जो इसने सीखी परफॉर्म किया और अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही रिकमेंड होगी सबसे पहले आर्या आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सर आर्या डे वन से लेकर के कॉन्फ्रेंस तक की पूरी बात हम लोग करने वाले आर्या सबसे पहला

उसमें से बिफोर अपियरिंग फॉर द इंटरव्यू विद इन टू मंथ्स हमने पूरे वो लगा लिए थे आउट ऑफ हमने सॉल्व कर लिए थे एंड वेरी हार्ड इंटरव्यू थिंग तो वहां पे बहुत ईजी हुआ हमको वाई आर करने के लिए और पीपीडी uh, टी प्रोसेस भी अच्छे से हो गया था बिकॉज हम उतना प्रिपेयर करके गए थे कि जो स्टोरी है लिखना है विद इन द फोर मिनट्स उसके बाद फॉलोड बाय अ ग्रुप डिस्कशन तो वो एकदम अरे जैसे एनडीए का एग्जाम हम देते हैं

What should be the approach? आपकी क्या अप्रोच थी आ, अप्रोच मेरी ये रहती है कि जो पिक्चर हमको डिस्प्ले किया जाता है तो कर्नल सर हमेशा बोलते हैं कि द स्टोरी इज नॉट इन द पिक्चर इट इज इन योर हेड तो वही की है जो ब्रीफिंग में भी दे टेल यू के स्टोरी का पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर आपको लिखना होता है स्टिक टू तो दैट कि स्टोरी आप या ये बना दो कि प्री कंसीव नहीं लेके जानी कि ये कैप्टन है अब फिर आप उसमें लिखे जा रहे हो कैसे बना ऐसे बता रहे हैं कि ये बच्चा है जो भी आपको डिस्प्ले किया गया फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा लाइब्रेरी में पढ़ता हुआ दिखाया है

बट देर आर सो मेनी स्टूडेंट जिनको बोलने में बड़ी तकलीफ है बड़ा हेजिटेशन है और तुम्हारे ग्रुप में भी जब वहां गए होंगे तो कई सारे बच्चों हेजिटेशन रहा होगा हाँ। बट उसके बावजूद भी स्क्रीन इन हुए होंगे तो नरेशन के टाइम पर क्या बातों का ध्यान रखना है नरेशन के टाइम पे ये इम्पोर्टेंट रहता है कि जब आप स्टोरी लिख चुके होते हो उसके बाद देर इज अ लॉन्ग ब्रेक तो उस ब्रेक में हम वहां पे दोस्ती यारी करने नहीं गए हैं नरेट योर स्टोरी इन योर माइंड आप उसको बोलते रहो कोई आपके पास आ आप भी रहा है इंट्रोड्यूसिंग टेल दम केल गेट बैक टू यू लेटर और अपनी स्टोरी आप सेवन टू एट टाइम्स कम से कम अपने अंदर ही उसको नरेट कर लो इफ यू आर नॉट गुड एट इट बाकी वो आपको बाय हार्ट हो जाएगी जब वहां पे आपको नरेट करना है फाइनली एकदम तो याद ही हो गई थी बार, नौ बार आप खुद लोगे वो फाइव टू तो सिक्स लाइन की स्टोरी याद ही हो जाएगी तो वो हो जाता है नरेशन हो जाता है हाँ। अरे नरेशन हो गया आपने खुद ने रिकॉल कर लिया सिक्स तो आपका नरेशन बड़ा अच्छा चला गया अब बात करते हैं ग्रुप डिस्कशन ग्रुप डिस्कशन की वेन कम टू ग्रुप डिस्कशन

एग्री करो सब लोगों से और आप जितना लोगों से एग्री करोगे उतना लोग आपसे एग्री करेंगे तो बी इन गुड टर्म्स विद एवरी वन की हाँ अच्छा नहीं शी हैज गिवेन अ वेरी गुड पॉइंट वी कैन एड दिस यूज फ्रेजेज ऐसे वाले की हाँ बट वी कैन डू दैट तो ये चीजें आप यूज करो एग्री करो सबसे आपको आराम से लीड मिल जाएगा और फिर वो लास्ट में पूछते हैं कि हु इज गोइंग टू नरेट द ग्रुप स्टोरी तो उसमें सब लोग लड़ने लग जाते हैं कि आई विल डू आई विल डू आप किसी को नॉमिनेट कर दो क्योंकि ग्रुप स्टोरी नरेट करना इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट जितना हमें लगता है वो उसके पहले ही डिसाइड कर चुके होते हैं वो आपको स्क्रीनिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो डोंट फाइट फॉर द ग्रुप स्टोरी नरेशन नॉमिनेट हैं आपस में कि नहीं मैं करूंगी मैं नरेट करूंगी यू से आई थिंक चेस्ट नंबर सिक्सटी वन चेस्ट नंबर सिक्सटी थ्री वट एवर चेस्ट नंबर की मुझे लगता है इसे करना चाहिए तो लोग बोलेंगे है ये तो बहुत इंटेलेक्चुअल है इसने वो कर दिया नॉमिनेट कर दिया तो इनिशिएट बड़ थिंग बड़े दिल वाली है हाँ तो ऐसा

Psychology test के के लिए लिए। क्या आपकी strategy थी किस तरह से preparation आपने किया था चारों चारों चारो टेस्ट टेस्ट। uh, जो टी हैं सबको ये बेसिक चीजें पता होती हैं तो उसको भी आपको पीपी के तरह से ही अप्रोच करना है बट उसमें एक आपके पास वो रहता है यू कैन इम्पोर्ट कैरेक्टर्स की uh, हमने अज्यूम कि ये जो इफ देर आर नो फीमेल कैरेक्टर्स इन योर स्टोरी एंड यू आर गर्ल तो यू कैन अज्यूम के जो मेल uh, उसमें दिख रहा है उसकी कोई सिस्टर होगी उसकी कोई मदर होगी उसकी कोई दोस्त होगी यू कैन अज्यूम दैट एंड दैट शैल बी यू उसके बाद आप स्टोरी लिख दो कि मैंने उसको कैसे मोटिवेट करा मेरा क्या रोल था उसकी सक्सेस में या उसका क्या रोल था मेरी सक्सेस में एकदम पॉजिटिव स्टोरी लिखनी है समटाइम्स एक्सीडेंट्स वगैरह उसमें शो हो जाते हैं तो उसमें आप लिख सकते हो कि उसकी फैमिली को आपने कैसे कैसेफाई uh, करा कि नहीं इट्स ओके एंड यू मोटिवेटेड टू मूव फॉरवर्ड तो ये सारी एकदम पॉजिटिव वे में स्टोरीज आप लिख के कंक्लूड करो और प्री कंसीव स्टोरीज लगाने को कोई पॉइंट रहता नहीं वहां पे बिकॉज वो लोग बहुत बड़े तो right uh, so, वो और एयरफोर्स में इफ यू आर गोइंग सेम डे आपको स्टोरीज लिखनी है तो so, आप दिमाग में जो है वो सब खत्म हो चुका होता है पूरे दिन में यू आर वेरी मच टायर्ड तो जस्ट राइट वट एवर कम्स फर्स्ट टू यूर माइंड राइट इट ऑल पॉजिटिवली

ऐसे ऑब्लिगेशन आप उसमें लिख सकते हैं यूनिवर्सल फैक्ट्स नहीं लिखने होते हैं तो उसमें जो भी वर्ड डिस्प्ले होते हैं कोई इतने हार्ड होते नहीं है कि हम लिख ही ना पाए सेंटेंसिस तो दैट इज ऑल्सो ईजियर फिर एसआर uh, टी की बात आती है तो एस में यू शुड नॉट डू वन लाइन रिस्पॉन्स के uh, लड़ाई हो रही थी तुमने क्या करा मैंने खत्म करा दी लड़ाई यू डोंट हैव टू राइट दैट आपने कैसे कराई आपने उनके थॉट्स मीडिएट करवाए आपने एक मिडवे फाइंड किया

उसको कोरिलेट कर लो अपने आप से कहां कहां गड़बड़ हो रही है एक्चुअल में कहा गड़बड़ है और किसको इंप्रूव करना है तो उसको लर्न करने में भी सुधार लो और बिहेवियर में सुधार लो बिहेवियर में भी तो क्योंकि इतना टाइम तो आपके पास होता है अरे बात करते हैं तो साइकोलॉजी इतना आसान है समझा देगी मतलब आर्य मतलब समझा नहीं था कि पर बच्चों ये इतना ही आसान है अगर आपको एक बार चीज समझ में आए एक बार आपको कर्नल सर की बात समझ में आ गई बर्मन सर की बात अगर आपको समझ में आ गई कि एक्चुअली वो क्या कहना चाहते हैं और क्या कराना चाहते हैं उतना होने के बाद फिर आपको भी रोकने वाला नहीं है नहीं है आगे बात करते हैं जीटीओ की ग्रुप डिस्कशन की बच्चों को कहा जाता है सबसे पहले दिन कि भाई न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो एंड बच्चे के लिए सबसे कष्टदायक काम वही होता है न्यूज़पेपर पढ़ना होता है आप बताओ कि क्या सीन था आपके साथ न्यूज पेपर पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट पर अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो हैव अ वेरी गुड रिप्लेसमेंट फॉर इट जो आपको सारी न्यूज दे बी इट अ फ्रेंड बीट सम एप्लीकेशन व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप जो भी हैव अ रिप्लेसमेंट आई पर्सनली द व्हाट्सएप कम्युनिटी तो उसमें जो भी अपडेट्स रहते थे आई यूज टू रीड ऑल उसमें से जो मुझे नहीं समझ में आता था मैं उसको आई यूज टू गो ऑन यूट्यूब और मैं देख लेती थी और ऐसे हमारे जो YouTube चैनल पे सर सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं वो एक्सप्लेन उसके एक्सप्लेनेशन के टू मिनट्स के वीडियो रहते हैं यू कैन वॉच दैट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक दैट विल हेल्प यू इन ग्रुप ग्रुप डिस्कशन डिस्कशन क्योंकि group discussion में दे आर नॉट सी आप कितना बोल सकते हो क्या दे हैव सीन दैट इन स्क्रीनिंग एंड एवरीथिंग वो ये देख रहे हैं आपके पास फैक्ट्स कितने हैं आप हाउ आर यू फ्रेजिंग देम और आप कितने लोगों को अपने से एग्री करवा पा रहे हो पीपल विल एग्री विद यू ओनली वेन यू हैव नॉलेज एंड फैक्ट्स दैट विल कम ओनली बाई रीडिंग न्यूज पेपर एंड बींग अपडेटेड तो

आर्या हैज एडवांटेज कि ये एक्सपोजर अच्छा था तो काफी था पर आर्या उन बच्चों को क्या करना चाहिए मतलब देखो ऐसा है कि कई बार बच्चा इसलिए कॉन्फ्रेंस आउट हो जाता है या मैं यूं कहूँ कि इसलिए रिकमेंड नहीं हो पाता है कि वो इस बात पर फोकस करता ही नहीं है मतलब तो लास्ट तक वो अपने कम्युनिकेशन पर फोकस करते, ही करते नहीं, नहीं।, नहीं सिर्फ टेक्निक के पीछे भागता रहता है तो आर्या का क्या कहना है कम्युनिकेशन इज द की सबसे इम्पोर्टेंट कर्नल सर ऑलवेज से कम्युनिकेशन इज द की इन एन एस एस बी इंटरव्यू इंटरव्यू में भी जो आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे आपको आंसर तो करना ही पड़ेगा और ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि वेन यू हैव एंड यू आर अनेबल टू पुट देम देन वेरी सॉरी बट यू डोंट डिजर्व टू बी एन ऑफिसर अगर आप अपनी बातें रख नहीं पा रहे हो तो आर्टिक्युलेट नहीं कर पा रहे हो अपनी बातें तो देन

you should know how to put through और करने से नहीं। क्या नहीं होता है सब कुछ हो जाता है हाँ। अगर बंदा चाहे तो जो आप मेहनत करके यू कैन अचीव एनीथिंग और सिर्फ कम्युनिकेशन करना सीखने से आप लेफ्ट हैंड बन और क्या चाहिए राइट right. तो आर्य आप बात करते हैं ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज की एक टेक्निकल चीज होती है जीपीई की प्रैक्टिस मतलब कैसे क्या ध्यान रखना है इसमें डायरेक्टली बता दो बच्चों क्या किया आर्य ने क्या किया कैसे ग्रुप प्लानिंग पर

तो ऑफ कोर्स आई विल डू सेवन एंड थ्री की सेवन लोगों सात लोग इसको गड्ढे में से निकाल रहे हैं तीन लोग एक की भैंस खो गई है तो वो ढूंढ रहे हैं तो यू कैन डू दैट तो वाइजली चीजों को अपने को डील करना है और अपन ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो हमको एक अप्रोच आना चाहिए कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है दे आर लेवल्स ऑफ प्रॉब्लम जो उसमें दिया जाता है वन इज रेड हेरिंग द लास्ट वन जो दिया जाता है ढूंढने जा रहे हो हाँ भैंस ढूंढने जा रहे <laughs> हो बकरी खो गई है तो ये चीजें आपको मिस नहीं करनी है पर आपको ये आप ऐसे लिख दो इफ टाइम हम उसको हेल्प जरूर करेंगे बिकॉज इट्स नॉट लेस इंपॉर्टेंट पर बाकी चीजें हैं कि कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है कहीं पे वो लोग लोगों को मारने वाले हैं कहीं पे जान खतरे में।, में है तो ये थम रूल होता है कि जान माल का खतरा जहां पे ज्यादा होता है देर यू शुड बी देर और ऐसे रूल्स होते हैं यू नीड टू फॉलो दोज ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में टाइम स्टैप्स लिखो उसमें कि इस टाइम पे हम यहाँ पहुंचेंगे इस कन्वेंस से पहुंचेंगे उसमें रिसोर्सेज प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज आर गिवन कुछ ऑब्वियस होते हैं कुछ ऑब्वियस नहीं होते हैं तो जो ऑब्वियस नहीं होते हैं वो हमज्यूम कर सकते हैं कि यार हम ट्रेकिंग पे गए हैं तो ऑब्वियसली हम गड्डी वड्डी में गए होंगे जीप सी होगी हमारे पास सारी चीजें तो ये चीजें आप अज्यूम कर सकते हो रोड है मैप्स है स्टिक टू द टाइम के इतने टाइम पे हम यहां पहुंचे और वाइजली आप सॉल्व करोगे तो वो बहुत ईजी होते हैं तो अपने ग्रुप के साथ में डिस्कस करते में भी

तो लोग भाव दे रहे थे आगे बढ़ने दे रहे थे हाँ उसमें आपका आइडिया जो होता है ऐसा ऐसा हमको एसा सिखाया था कि 100 में से 99 टास्क बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो दे आर ओके विद यू नॉट बीइंग एबल टू कंप्लीट द टास्क ठीक है पर आपकी अप्रोच ये होना चाहिए कि मुझे इस लाइन से उस लाइन तक जाना है कैसे भी करके विद इन द रूल्स तो वो अगर आपकी अप्रोच है तो एवरी विल लिसन टू यू टेक इनिशिएटिव्स इनिशियटिव नहीं एक काम करो आप लोग यू ऑल क्रॉस जीटीओ गिव्स कंसेशन गि ठीक है अच्छा यू हैव डन द ब्रिजिंग ये दिस प्लान विल वर्क वन ऑफ यू स्टे दर बाकी सब चले जाओ टेक अच्छा मैं वहाँ पे जाके प्लान तुम लोग रुको या तुम लोग चले जाओ मैं यहाँ पे रुकती हूँ देखती हूँ कैसे होगा टेक इनिशियेटिव और uh, अगर आप में है ऑफिसर बनने वाली क्वालिटीज तो ऑब्वियसली आपको सब लोग भाव देंगे आपकी बात सुनेंगे और ग्रुप टास्क में आप मिसबिहेव कर जाते हो समाइम्स की अरे अरे जस्ट कीप कॉइट यू डोंट नो एनी थिंग नंबर वट मुझे भी दो तीन लोगों ने बोल दिया था <laughs> तो वहां पे अपन वहां पर अपन नहीं कर सकते गाली गुले सपने को अपने अंदर गाली देना आती है। हाँ उधर नहीं देना है कंपोज रहना है वहां पे आप बोलो अच्छा इट्स ओके यू डू इट तो वहां पे दिखता है यार आप कितने हार्टेड कि, चलो वो प्लान है बट स्टिल यू आर लेटिंग डू इट बिकॉज दे आर यूर टीम चलो ठीक है आप कर लो बट देन वेन दे फेल इट्स ओके देन यू डू इट वे तो वैसी चीजें एकदम दिमाग लगा के करना है काम जब सब बोल रहे हैं तब नहीं बोल रहे हैं जब चुप हो जाए अच्छा ठीक है आप ऐसा कह रहे थे ऐसा कर लेते दैट इज हाउ तो आर्या ने बड़ा समझा दिया भाई पीजीटी में प्रिपरेशन तो करके जा रहा है जो आर्या ने कहा उसको फॉलो कीजिए डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा आर्या जीटीओ का एक इंपॉर्टेंट टास्क आता है लेक्चर जिसमें आप इंडिविजुअल परफॉर्म कर रहे हो ग्रुप के सामने खड़ा होकर के बोल रहे हो वहां हाउ टू डिलीवर लेक्चर थ्री मिनट्स में थ्री मिनट्स का टाइम होता है उसमें आपको जो भी टॉपिक दिया है वो आपको बोलना होता है तो देर इज ए की दैट आई अगर मेरे पास कंटेंट कम है तो मैं स्लोअर पेस पे बोलूंगी और एकदम उनको एक्सप्लेन करते हुए बोलूंगी जैसे हमको टीचर क्लास में पढ़ाते हैं कि स्लोअर पेस पे ताकि हमें सब समझ में आए तो वो थ्री मिनट्स का टाइम कंप्लीट हो जाएगा पर अगर मेरे पास कंटेंट बहुत ज्यादा है कि रिजर्वेशन इज अ टॉपिक सपोज दैट तो बहुत सारी चीजें हैं उसमें बोलने के लिए तो उसको आप जो आपको तीन मिनट प्रिपरेशन के लिए दिए हैं उसमें उसको आप वाइफरगेट करो इन इन सब टॉपिक्स अब सब टॉपिक्स भी दस नहीं कर लेने की हम एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए अपना जो भी कंटेंट है उसको एकदम आ, बाइफर्गेट करके और इन, आ, तो और बी वेरी इन डिलीवरिंग इट टू जो आपका ग्रुप है उससे तो आप कंफर्टेबल हो ही जाते हो बिकॉज लेक्चर इट इज यूजली इन डे थ्री और डे फोर डे टू में भी है तो आप यू आर कम्फर्टेबल विद योर ग्रुप और इफ यू हैव प्रॉब्लम स्पीकिंग तो देर इज ओनली वन सोल्यूशन यू नीड टू प्रैक्टिस हाउ टू स्पीक स्टैंड इन फ्रंट ऑफ पीपल फिफ्टीन टू ट्वेंटी पीपल

आगे आगे पर्सनल जो है उसकी बंदा खुद से क्या शुरुआती चाहिए। एक आप करो, उसमें yourself, अगर इसमें नहीं होता है तो व्हाट विल आई डू मैंने कौन कौन से एग्जाम दिए एवरी क्वेश्चन रिलेटेड टू यू और देर पी आई क्यू फॉर्म होता है उसमें से तो उसमें जितने भी क्वेश्चन होते हैं पी आई क्यू फॉर्म में उस पी आई क्यू फॉर्म में से हर Uh, जो भी उसमें सेवनटीन पॉइंट होते हैं कुछ हर पॉइंट पे थ्री क्वेश्चन मेक क्वेश्चन फॉर योर सेल्फ आंसर देम योर सेल्फ अपनी डायरी में यू शुड नो योर स्ट्रेंथ योर फियर्स सब चीजें आपको पता होनी चाहिए और वेन यू नो योर सेल्फ तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपसे जो पूछ लेंगे आपको नहीं आएगा बिकॉज इट इज अबाउट यू पर्सनल इंटरव्यू इज पर्सनल तो वो आपसे आपके <laughs> हाँ बारे में ही पूछेंगे और जो करंट अफेयर बेसिक चीजें जो आपको डिफेंस से रिलेटेड है आनी चाहिए

तो सी दिस इज फॉलोइंग पैटर्न के एजुकेशन फिर टीचर्स फिर एक्स्ट्रा करिकुलर में फिर घर में कौन क्या कर रहा है तो देर इज अ पैटर्न तो आंसर थिंग्स लाइक यू आर राइटिंग एन एसे अबाउट यूर सेल्फ तो उसको वैसे आंसर करो देन देर इज वन अबाउट हॉबीज एंड इंटरेस्ट की आपकी हॉबीज क्या है इनको आप टाइम कैसे निकालते हो इसके लिए तो इट इज ऑल अबाउट हॉबीज एंड इंटरेस्ट तो वो पूरा राइट एन एसे अबाउट हॉबीज एंड इंटरेस्ट एंड से इट तो वो वैसे वो भी हो जाएगा डोंट डोंट ट्राई टू मेमोराइज इट उसको जैसे उन्होंने पूछा है उसी सीक्वेंस में यू कैन आंसर और अगर आ, लास्ट में वो बोलते हैं कि एंड तो यू कैन आस्क कि सो प्लीज आस्क द रिमेनिंग क्वेश्चंस आई डोंट रिमेंबर तो दे विल आस्क यू अगेन तो जब सीआईसीक्यू 2 की बारी आती है जब फैमिली एंड एसोसिएटेड एक्टिविटीज के बारे में yes. पूछते हैं मुझे याद है कि आर्य का तो घर के अंदर इतना इन्वॉल्वमेंट हो गया था तैयारी करते-करते कि झाड़ू अच्छा अच्छा पोछा अच्छा लगाने लगी बहुत ज्यादा <laughs> सर मेरा इन माई इंटरव्यू विद लखन सर माई मॉक इंटरव्यू तो सर आज मैं रैंडम क्वेश्चन के वट आर योर वट इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द जनरल एक्टिविटीज एट होम आई डू नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन की वाई इज माई कॉन्ट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड एट माई होम देन आफ्टर द इंटरव्यू आफ्टर आई फेल्ड इन दैट इंटरव्यू सो लखन सर टॉट मी बेटा यू नीड टू सपोर्ट योर मदर इन हाउस होल्ड शोर्स सो दैट यू कैन टेल देयर कि भाई मैं करती हूँ घर में भी काम तो वहां पे ही आज मी द सेम क्वेश्चन सो आई आंसर्ड कि नहीं नहीं मैं तो बहुत झाड़ू पोछा सब लगा देती हूँ बर्तन भी धो देती हूँ इन केस रिक्वायर्ड तो दैट इज मेनिपुलेशन बट बी वाइज एडेड तो यू नीड टू बी वाइज हाँ बी वाइज एंड बी प्रिपेयर इतना प्रिपेयर भी नहीं होना है कि आप अपना ज्यादा वहां पे वो कर दिया आपने बैलेंस रखते हुए चीजें राइट

उट ऑफ द इंटरव्यू रूम खराब गया इंटरव्यू तो इट इज से मोर दिल यू दानी में कैंडिडेट्स well की आपने जो यही दिया था तो उसने बोला हाँ वो नहीं हुआ क्लियर एनडीए हो गया तो आप यहाँ आ गए तो उसने बोला हाँ सर वॉट इज द प्रॉब इन दट एनडीए क्लियर हुआ तो वील अपियर फॉर द एस एस बी इंटरव्यू बी कॉन्फिडेंट इन वट यू आर डूंग फिर वो जो रिपीटर्स होते हैं तो उनको तो वो बहुत ही disrespect कर देते हैं कि तो भी नहीं हुआ तुमसे भी नहीं तो तुम क्लियर तो है जो हम वापस आए हैं हैं जब वो आपको ग्रिल कर रहे क्योंकि दे नो वट देर डूइंग एंड सो शुड यू आपको भी पता होना चाहिए कि आप वहां क्यों बैठे हो यू डिजर्व दैट इन यूर माइंड तो अरे तो तो लास्ट में 154 के लिए जो बच्चे जाने वाले हैं आज से आफ्टर